नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का ये वीडियो ICICI बैंक यूजर्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से जो है अपना लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है अपना आई मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, जो कि ICICI बैंक का ऑफिशियल ऐप है। तो इसे ओपन करने के बाद आपको इसमें जो है लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं इसमें जो है पहले लॉगिन कर लेता हूँ अपना पिन डालकर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से आई मोबाइल पे में जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है या कहें तो एक्टिवेट किया जाता है, तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। उसके बाद इसमें लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये माई सेविंग अकाउंट जो दिया हुआ है उसके नीचे में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट का ऑप्शन है। यही अगर आपका जो है ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है और आप जो है आई मोबाइल पे ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर व्यू ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देगा। लेकिन यह जो है एक सेविंग अकाउंट है जिसमें मेरा मतलब मेरा ICICI बैंक में जो है अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर माय सेविंग अकाउंट ये शो हो रहा है, अकाउंट नंबर वगैरह शो हो रहा है। ये अगर आपका अकाउंट नहीं होगा, आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे, तो यहाँ पर व्यू ट्रांजेक्शन शो होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट के ऊपर में क्लिक कर लेना है अगर आपका अकाउंट है तो, है ना। स्टेटमेंट क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेविंग अकाउंट के अंदर में यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मेरा भी एक ही ट्रांजेक्शन हुआ इसलिए एक ही सो रहा है, ठीक है। आपको लास्ट यहाँ पर दिया हुआ लास्ट 10 ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है, लास्ट 10 ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर में जैसे ही आप क्लिक करके रखे रहेंगे तो यहाँ पर सारा जो है ट्रांजेक्शन आपको दिखा देगा, जो कि लास्ट में जो है लास्ट का 10 ट्रांजेक्शन होगा वो सारा शो हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ डिटेलड स्टेटमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है लास्ट मंथ का, लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का या फिर लास्ट 1 ईयर का जो है ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आप कहाँ देख सकते हैं और किस तरह से जो है उससे खोज सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से वापस चलता हूँ और आपको फिर से एक बार जो है बता देता हूँ। जैसे आप होम स्क्रीन में आएंगे तो उसके बाद यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ देखिए ये है लास्ट 10 ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से आसानी से आप जो है ICICI मोबाइल बैंकिंग ऐप या कहें तो आई मोबाइल पे जो है उसकी मदद से अपना लास्ट का 10 ट्रांजेक्शन जो है देख सकते हैं। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं स्टेटमेंट के बारे में तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं आई मोबाइल पे से रिलेटेड या कहें तो ICICI बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो उसे जाकर आप जरूर देखें। तो सो जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वक्त में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।